अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आपको पता है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का नागपुर में जो सेलिब्रेशन होता है वो एकदम सबसे यूनिक होता है और सबसे बड़े लेवल पे नागपुर में ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जो डेकोरेशन वगैरह होता है, बड़े बड़े मॉडल्स बनाए जाते हैं, तकरीबन 100 फीट 120 फीट ऊँचे यहाँ पर मॉडल बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक मॉडल के पास में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो बनाए हैं जाफरनगर अवस्थी चौक में। तो चलो, तो दोस्तों कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे जाफरनगर अवस्थी चौक में, सामने आओ। तो ये था जाफरनगर अवस्थी चौक जो कि बहुत प्यारा सजा हुआ है और बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बना है। तो यहाँ से निकल के हम लोग निकले हैं अभी सीए रोड, वहाँ पे आपको मोमिनपुरे का आउटलुक दूंगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएगा, क्योंकि एक्चुअली ना एरिया बहुत बड़ा है, मतलब चारों तरफ डेकोरेशन मॉडल्स बने हुए हैं। तो इतने सारे मॉडल अगर मैं दिखाऊँगा तो घंटों का व्लॉग बन जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये व्लॉग छोटा बने जिसमें हम मेन सारी जगह नागपुर की कवर कर ले। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 1:30 और हम हैं जाफरनगर से निकल के सदर में। भूख भी बहुत लगी है, तो कुछ खाएंगे भी, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे मोमिनपुरा में। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मोमिनपुरा। ये है मोमिनपुरा का एंट्री गेट, भगवागढ़ चौक इसको बोलते हैं, और कुछ ऐसा यहाँ पर ये गेट बना हुआ है। और मेरे साथ में है यहाँ पे तौकीर भाई, जिनका पेज है फूडोलॉजी, बहुत अच्छे फूड ब्लॉगर है, सब जानते हैं इनको। तो तौकीर भाई बताएंगे मोमिनपुरा में क्या क्या है। मोमिनपुरा में एक ऐसा सीन है ना कि रौनक जो है एक दिन पहले से ही आ गई है, यहाँ पर बढ़ चुकी है, और बोल सकते हैं कि मतलब हर एक मिनट हर एक घंटा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। लोग अपना टाउन मिला के सब कमेटी वगैरह जो हर साल करती है वैसे ही बढ़िया इंतज़ाम कर रहे हैं, और अगली सुबह का इंतज़ाम कर रहे हैं ना। सुबह मतलब कितने, 2 बजे 3 बजे 4 बजे मतलब चलते जा रहा है कुछ ना कुछ। 11 बजे से माहौल शुरू हो जाता है, 11 बजे से, तो फिर उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो नेक्स्ट डे चलते जाता है भाई पूरा दिन 24 घंटा, मतलब अभी से लेके 24 घंटे। तो अभी मोमिनपुरा के गेट के बाहर ही खड़े हैं, अभी एंटर भी नहीं हुए हम मोमिनपुरा में। अंदर तो भाई जा नहीं सकते और जाना भी नहीं है क्योंकि बहुत क्राउड है भाई। अभी कितने बज रहे होंगे, मतलब 2 बज रहे हैं ना, 2 बज रहे हैं रात लगभग 1:45, और देख सकते हो भीड़ मतलब कंटिन्यू आ रही जा रही है और खा रही है। बाहर की मतलब पब्लिक भी आती है और मतलब बहुत इंजॉय करती है यहाँ पर आके भी, रौनक ही अलग है यहाँ की। और इस बार स्पेशली सारे जगहों का जो माहौल है, जितने भी एरिया है नागपुर में जहाँ जहाँ पे मॉडल बनते हैं इस तरीके के, इस बार ना हर जगह पे एकदम नेक्स्ट लेवल पे काम हुआ है, मतलब जबरदस्त। उसका कोई वर्ड नहीं है, इतना जबरदस्त बनाए हैं ना सभी लोगों ने। और जो भी एरिया है, जो भी नगर कॉलोनी वगैरह, सबने लाइटिंग तो छोड़ ही दो, हर जगह हर गली में लाइटिंग है, लेकिन ऐसे जो मॉडल, ये कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है इतने बड़े बड़े मॉडल बनाना। ये नागपुर के आपको मेनली जितने भी एरिया है सब जगहों पर मिल जाएंगे। ईद मिलादुन नबी के मतलब नूर ही नूर चल रहा है, मतलब हर तरफ जश्न है, नूर है, बिल्कुल, और जश्न होना भी चाहिए। बिल्कुल यार, ईद मिलादुन नबी है, और मेरे और भाई की तरफ से भाई ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हिम्मत करके बहुत देर के बाद में हम लोगों ने फाइनली मोमिनपुरा में अपनी गाड़ी एंटर कर ली है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल है, सजा हुआ है। और ये जो आप लोग स्टेज देख रहे हो साइड में, ऐसे स्टेज आपको पूरे नागपुर शहर में मिल जाएंगे हज़ारों की तादाद में। तो ये सबके पर्सनल स्टेज होते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ताज मिलिया, तो मैंने अपना बनवा लिया, या जिस जिसको जैसे जैसे बनवाना है वैसा लोग बनवाते हैं अपना अपना स्टेज, और वहाँ से वो जुलूस का वेलकम करते हैं। और उसके अलावा वहाँ से जो भी इनको फूड आइटम्स बांटना होता है वो वहाँ से सब चीज़ें बांटते हैं। तो ये मोमिनपुरा का मिडल पार्ट है, मतलब ये बोल सकते हैं उसको अलकोसर होटल, कमाल क्लब स्टोर और निज़ाम कलेक्शन, यानी कि ये गुलगुल होटल के पास का एरिया है जो कि बहुत अच्छा सजा हुआ है। बड़ा प्यारा शेर है।
वो सुबह है विलादत खुदा का ये फरमान। तो जिस तरीके से हम लोग ने पार कर लिया मोमिनपुरा, अब जो इधर वाला साइड है, इधर में गरीब नवाज मस्जिद और ये बकरा मंडी वाला रोड और कहा जाता है ये रोड कड़वी चौक, इधर भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। और जो गरीब नवाज मस्जिद है वो बहुत प्यारी लगती है नॉर्मल डेज में भी, और सजने के बाद तो और खूबसूरत लगती है। लेकिन उधर हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर का काम शुरू है तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो हम ये टिंकी होते हुए इधर से निकल रहे हैं। ये है मोमिनपुरा के फेमस चाचा रोल के रोल। तो खाते खाते हम लोग पहुंच गए गांजा के चौक। यहाँ पे मौला अली के रोजे का एक पार्ट बनाया हुआ है गेट जैसा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिखाओ। इतने खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ में इन लोगों ने ये मॉडल बनाए हैं, जैसा कि ये हजरत अब्बास अलमदार के रोजे का मॉडल बनाया है, क्योंकि बहुत बारीकी से इन लोगों ने बनाया है। और पता नहीं कैमरे में समझ में आ रहा हो ना हो, लेकिन इन रियल ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम लग रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम अभी पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं हम, सेवा सदन चौक। ये सेवा सदन चौक है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ है। और जो सीरतुल नबी कमेटी जो होती है हर शहर की, जो मेन जुलूस जो निकलता है वो यहीं से निकलता है। यहाँ से निकल के जुलूस पूरे शहर में जाता है और यहीं से निकलता है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। चला जाए आगे। तो ये है अग्रसेन चौक और इधर में है भालदारपुरा। यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है अंदर में, आप लोग दिख रहा होगा आपको, मॉडल वगैरह भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे रोड का भी काम शुरू है, फ्लाईओवर का भी काम शुरू है, बहुत उधर कंजेस्टेड हो जाएगा, इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे। अब इधर देखो, ये है मेट्रो के पुल, मतलब मेट्रो के पिलर, जो के बहुत अच्छे सजे है लाइटिंग से। ये पूरे इधर सीए रोड के जितने भी पिलर्स हैं ये सब पे ऐसी लाइटिंग लगाई गई है। ये सब लंगर की सुबह की तैयारी चल रही है, देखो कितने सारे लंगर बन रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक है। यहाँ पे आपको हर चौक पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह लंगर ही लंगर मिलेगा भाई। दुनिया में इतना लंगर कहीं नहीं होता। तो अभी हम हैं मच्छी बाजार चौक पे। यहाँ पर गरीब नवाज का बुलंद गेट बना है, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत बना है। लेकिन अभी दिखाऊंगा मैं आपको, एक ऐसा रूट फॉलो करके आएंगे हम लोग गाड़ी बनों के रुक। फिर मच्छी बाजार चौक, उसके बाद में शतरंजीपुरा में दो बड़े बड़े मॉडल बने हैं। उसके बाद हम जाएंगे हसनबाग, उसके बाद ताजबाग, और ताजबाग में होगा ये ब्लॉक एंड। हम पहुँच चुके हैं मारवाड़ी चौक। यहाँ पर बना है हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का आस्ताना मुबारक, जो कि गुलबर्गा शरीफ में मौजूद है, और उसका यहाँ पे मॉडल बनाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और बड़ा ही शानदार है ये मॉडल। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। मारवाड़ी चौक पे हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे गाड़ी के अंदर से ही बहुत अच्छा लुक आ गया था। तो हम वहाँ से निकल के आ चुके हैं मिर्ची बाजार चौक। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था आपको, लंगर शुरू है सरकार के नाम का, और ये है गरीब नवाज के रोजे का बुलंद गेट, जो कि बना है मिर्ची बाजार चौक नागपुर इतवारी। और ये है शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद। यहाँ का उर्स अभी अभी हुआ है हजरत अब्दाली से वहाँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट हुई है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शतरंजीपुरा। और इधर भी दोनों तरफ स्टेज लगते हैं, बीच में से जुलूस जाता है, बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल रहता है। मतलब जुलूस का, ईद मिलादुलनबी का सबसे जो अच्छा माहौल होता है वो यहीं पर होता है। ये देखो, इधर सब लंगर वगैरह सब शुरू है। अभी जो मैंने आपको बताया था शतरंजीपुरा बड़ी मस्जिद, जहाँ पे आस्ताना है हज़रत बगदादी शाह बाबा का, उन्हीं के दरगाह का ये मॉडल यहाँ पे शतरंजीपुरा सुनील होटल के सामने बनाया गया है।
जिसका जो अंदर का पार्ट है एकदम हूबहू सरकार के आस्थाने से एकदम मैच हो रहा है और ओवरऑल बहुत अच्छा मॉडल बनाया है ये। इसी के जस्ट बाजू में ये मस्जिद अक्सा का मॉडल बनाया गया है जो कि बहुत ही बड़ा है। इसकी हाइट का आप अंदाज़ा लगा सकते हो आजू बाजू की बिल्डिंग को देखकर, और ये जो साइन बोर्ड लगा है रोड के साइड में इसकी हाइट से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं तो चलो यहाँ से निकल के हम आगे बढ़ते हैं। तो शतरंजीपुरा से निकल कर हम लोग पहुँच चुके हैं हसनबाग, और हसनबाग हमेशा फेमस रहता है ईद मिलादुन्नबी की लाइटिंग डेकोरेशन के लिए, लेकिन इस बार लाइटिंग के साथ साथ हसनबाग में मौला हुसैन के रोज़े की थीम का गेट बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत बड़े साइज़ का ये गेट बना हुआ है। और यहाँ पर हमारे माइक ने भी साथ छोड़ दिया था, तो इसके बाद मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि माइक बंद हो गया है, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठा तो पता चल रहा कि माइक बंद हो चुका है। तो आगे का सारा मैं आपको बताऊंगा वॉइस ओवर के थ्रू। ये गेट का साइज़ ना हकीकत में बहुत बड़ा है और बहुत ही आलीशान लग रहा है ये गेट, और ये हमारे वसीम भाई इनकी कमेटी ने मिलकर ये गेट बनाया है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ताज नगरी यानी कि ताजाबाद शरीफ, और यहाँ पर भी बहुत ही शानदार लाइटिंग की गई है। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है सरकार के रोज़े का। वैसे अभी उर्स कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन ये फिर से नई तरीके की नई लाइटिंग नई सजावट की गई है दरबार ताजुल औलिया में, और ये हमारे भाई मिल गए हमको। ताजाबाद शरीफ में हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें की, लेकिन माइक में प्रॉब्लम होने की वजह से सारी बातें मिस हो गई। और ये हमारे इमरान भाई जो कि ट्रस्टी भी है और खादिम भी है। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और दरबार शरीफ में महफिल मिलाद शुरू है। 4:30 बजे यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर परचम कुशाई की जाती है, तो उसके लिए भी ज़ायरीन आना शुरू हो चुके हैं बहुत सारे, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक अलग ही रूहानियत भरा कैफियत भरा सुकून भरा मंजर है सरकार ताजुल औलिया के आस्थाने पर। तो सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ में परचम कुशाई के लिए आ रहे हैं। उसके बाद मिले हमको सैफ भाई, सैफ भाई ने परचम कुशाई के बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन ऑडियो मिस हो गया। फिर कुछ इस तरह से मैंने ब्लॉग को एंड किया, इसमें मैंने बहुत सारी बातें किया था लेकिन सबका ऑडियो मिस हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पीछे देखो बच्चे कितने अच्छे यहाँ पे परचम लहरा रहे सरकार का, बहुत अच्छा नज़ारा था सरकार ताजुल औलिया के रोज़े पर, लेकिन ये ऑडियो मिस होने की वजह से पूरा मूड ऑफ हो गया। इसलिए वॉइस ओवर करके जैसा भी हो रहा है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, दिन निकल गया एडिट करते करते, मुझे सुबह के 6 बज रहे, अब सोना भी है उठना भी है जुलूस में भी जाना है, नया व्लॉग और बनाना है आप लोगों के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में।